हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो मैं आपको यहाँ पे आज इंट्रोडक्शन दूंगा बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के बारे में, और यहाँ पे हम देखेंगे ये बोटेनिकल नोमेनक्लेचर की हिस्ट्री और इसके अंदर जो आने वाले क्या क्या रूल्स जो हैं वो फॉलो करते हैं हम लोग, कि प्लांट को जब भी हम लोग कोई नाम देते हैं तो क्या क्या जो रूल्स हैं वो हम लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के बारे में, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ये है क्या। तो देखिए, जितने भी प्लांट्स हैं अर्थ पे, जितने भी प्लांट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत से ट्रीज हैं या बहुत सी हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, तो ये सब जो प्लांट्स हैं इन्हें हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स को हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि सपोज हम बात करें कि वीट की, राइस की, या हम कुछ प्लांट की बात करें जैसे कि हम बात करें अगर सनफ्लावर की, रोज की, तो इन सबको कैसे जो है कैसे इसका नाम पड़ा और इसका नाम जो हम लोगों ने दिया है वो किस बेसिस पे दिया है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का एक सीधा साधा मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इट इज़ द एप्लीकेशन, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ करेक्ट नेम्स, ऑफ करेक्ट नेम्स टू द प्लांट्स। तो मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको लिखा दूंगा, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का एक सीधा साधा मतलब ये है कि आप जो है किसी भी प्लांट्स को कैसे उसका करेक्ट नेम देंगे, तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ गिविंग करेक्ट नेम टू द प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए, कभी भी जब कोई भी नया प्लांट डिस्कवर किया जाता है तो उसे एक प्रॉपर नेम दिया जाता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी बॉटनिस्ट हों वो सब उसे आइडेंटिफाई कर सके। कि सपोज कुछ प्लांट जो है अगर वो इंडिया में है, तो अगर सेम प्लांट अगर मान लो वो अमेरिका में भी ग्रो कर रहा है तो उसका जो नेम होगा वो कॉमन रहेगा, ठीक है, ताकि जितने भी बॉटनिस्ट है वर्ल्ड में वो सब आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो प्लांट है वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुका है और इसे चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में ग्रो हो तो उसका जो नाम रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। इसीलिए, और आपने कभी भाई ये भी देखा होगा कि सपोज कुछ जो प्लांट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें रोज की, ठीक है, तो रोज को हम लोग लोकल लैंग्वेज भी देते हैं, लोकल लैंग्वेज में भी नाम देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है रोज को हम लोग गुलाब भी बुलाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या पता कि जो दूसरी कंट्री में उनमें भी उसका जो लोकल नेम हो वो डिफरेंट हो, ठीक है। तो लोकल नेम जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में वेरी कर सकते हैं, लेकिन अगर बोटेनिकल नेम है तो वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ सेम रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैंगो की, ठीक है, किसकी, मैंगो की, ठीक है, तो मैंगो को हम लोग इंडिया में आम भी बुलाते हैं, ठीक है, मैंगो भी बोलते हैं, लेकिन अगर इसका हम बोटेनिकल नेम देखें तो वो क्या होगा, वो होगा आपका मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, क्या होगा, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो आपको ये रहेगा मैंगीफेरा इंडिका। तो अगर आप जो है इसे इटैलिक में भी लिख सकते हैं, जितने भी लाइक प्लांट्स का हम लोग बोटेनिकल नेम लिखते हैं वो इटैलिक में लिख सकते हैं, लिखना चाहिए, या आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इटैलिक में नहीं लिख लें तो आप उसे अंडरलाइन करिए। तो देखिए, जो मैंगीफेरा इंडिका है जिसे हम लोग इंडिया में आम बुलाते हैं, अगर इसका ये जो ट्री है अगर ये किसी और कंट्री में जो है ग्रो कर रहा है तो वहाँ पे जो इसे हम लोग क्या बुलाएंगे, मैंगीफेरा इंडिका, जो कि आप पूरे वर्ल्ड में अगर आम का पेड़ आपको देखने को मिल रहा है, मैंगो का पेड़, तो वहाँ पे जो है अदर कंट्री के लोग इसे जो है मैंगीफेरा इंडिका के नाम से जानेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज में जो नाम है वो वेरी कर रहा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो कॉमन है, ठीक है। तो इसीलिए जो है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इट कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है। अब हम बात करें तो इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में, तो अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो ये सिस्टम लाए थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ये कौन लाया था, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक है।
तो सबसे पहले जो ये सिस्टम लाया था ये कौन लाया था? कैरोलस लीनियस। थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस लेके आया था ये सिस्टम का। अब जो कैरोलस लीनियस थे ये क्या थे? आ स्वेडिस्ट बोटेनिस्ट, आ स्वेडिस्ट बोटेनिस्ट। ठीक है, अब जो कैरोलस लीनियस थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक सिस्टम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब कैलोरस लीनियस जो कि एक स्वेडिश बॉटनिस्ट है जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो इन्होंने क्या किया? एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया कि ये सिस्टम जो है हम लोग ये सिस्टम जो है पूरे वर्ल्ड में फॉलो करेंगे और इसी की बेस पे जो है हम प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट नाम देंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। कब इंट्रोड्यूस किया? इन 1753। तो इन 1753 ही इंट्रोड्यूस द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया? अब इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम हर प्लांट का जो नाम है उसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे टू वर्ड्स में। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी प्लांट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स। क्लियर? अब इन्होंने इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या बताया कि जो कोई भी प्लांट हो, अर्थ पे कोई भी प्लांट हो, उसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे टू पार्ट्स में। क्लियर? कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कोई भी प्लांट हो उसका एक जेनरिक नेम रहेगा और दूसरा स्पेसिफिक स्पीसीज नेम रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जेनरिक नेम एंड स्पीसीज नेम। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले कॉमन वीट, कॉमन वीट। अब देखिए कॉमन वीट अगर हमने एग्जाम्पल लिया तो इसका जो बोटेनिकल नेम होगा वो क्या होगा? ट्राइटिकम, ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? ट्राइटिकम एस्टिवम। अब देखिए जो भी कॉमन वीट का प्लांट है उसे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम लोग ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हो गया इसका जेनरिक नेम, जेनरिक नेम, और ये एस्टिवम हो गया इसका स्पीसीज नेम। ठीक है, अब देखिए अब बात ये आती है कि सेम जो जीनस है, ठीक है, सपोज ट्राइटिकम जो है उसका जो है कुछ और भी स्पीसीज प्रेजेंट है अर्थ पे। ठीक है, यानी कि सिर्फ कॉमन वीट नहीं, इसके अलावा जो अदर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि पॉलिश वीट हो गया, पॉलिश वीट, या हम बात करें ड्यूरम वीट, ईटीसी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वीट की बहुत सी वैरायटीज हो सकती हैं या कोई अदर जो प्लांट्स है उसकी बहुत सी वैरायटीज प्रेजेंट हो सकती हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि हर जीनस का उसका स्पीसीज नेम भी इन्होंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कॉमन वीट के केस में क्या था, ट्राइटिकम इसका जीनस हो गया जो कि कॉमन रहेगा अदर वैरायटीज के लिए, अदर स्पीसीज के लिए, लेकिन जो स्पेसिफिक नेम रहेगा वो इकलौता रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कॉमन वीट की तो कॉमन वीट का जो लाइक स्पीसीज है, स्पीसीज नेम रहेगा वो एस्टिवम रहेगा। तो अगर कहीं आपसे बात हो रही है ट्राइटिकम एस्टिवम की तो इसका मतलब है कि वहां पे बात की जा रही है कॉमन वीट की। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इन्होंने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया प्लांट्स के नेम को, ताकि जो उसका जो एग्जैक्ट जो नेम है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो सेम रहे, चाहे आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ और रूल देख लेते हैं।
तो देखिए, जेनरिक नेम और जो स्पीसीज नेम है दे शुड बी फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ओके, तो जितने भी जेनरिक नेम है, जेनरिक एंड स्पीसीज नेम, आर जनरली इवॉल्व फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आर फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, क्लियर। अब इसमें एक चीज और देखिए, जब भी आप जो किसी भी प्लांट का बोटेनिक नेम रखेंगे, लिखेंगे, ठीक है, तो जेनरिक नेम जो होगा वो हमेशा जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। यानी कि कोई भी जेनरिक नेम अगर हम लिख रहे हैं तो आप उसका जो फर्स्ट लेटर है इट शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, और जो स्पीसीज नेम है तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर। ठीक, फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनरिक नेम शुड स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर, क्लियर। और जो स्पीसीज नेम होगा वो ऑलवेज इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल लेटर। तो ये कुछ रूल हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो आप कभी भी अगर किसी प्लांट का नेम लिखें तो उसे हमेशा आप लिखें इटैलिक फॉर्म में, ठीक है। तो यानी कि आप जब भी लिखें किसी भी प्लांट का नेम, बोटेनिकल नेम, तो इट शुड बी इन इटैलिक फॉर्म, ऑलवेज राइट इन इटैलिक फॉर्म। या दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है नॉर्मली आप लिख सकते हैं किसी भी जीनस स्पीसीज का नेम या किसी प्लांट का नेम, उसे अंडरलाइन करना ना भूलें, ठीक। तो एक ये होता है रूल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। आप कभी भी अगर किसी भी प्लांट को उनकी नेमिंग कर रहे हैं या उसका बोटेनिकल नेम रखें तो ये सारे रूल जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ खास चीज़ और आती है कि अब कहीं कहीं आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें साइसर एरिटिनम एल, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं साइसर एरिटिनम एल। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो एंड में एल दे रखा है तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अब ये जो एल है ये जनरली रिफर करता है कि किस पर्सन ने या किस ऑथर ने इस प्लांट को सबसे पहले ऑब्जर्व किया है या उसे रिपोर्ट किया है, ठीक है। सपोज ये प्लांट आज से पहले कभी नहीं खोजा गया, ठीक है, या इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, तो जिस पर्सन या जिस ऑथर ने इस प्लांट को आइडेंटिफाई किया है या डिस्कवर किया है तो उसका नाम हमेशा हम लोग स्पीसीज नेम के बाद रखते हैं, एंड इट शुड बी कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें साइसर एराइटिनम की, तो ये इस प्लांट को जो है वो डिस्कवर किया था लीनियस ने। किसने? लीनियस ने, ठीक है। अब लीनियस ने डिस्कवर किया इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा, स्पीसीज के बाद इन्होंने कैपिटल एल यहां मेंशन कर दिया है। तो इसका मतलब इस प्लांट को डिस्कवर किया है लीनियस ने, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप अगर कहीं लिखा हुआ देखें किसी बोटेनिकल नेम किसी भी प्लांट का और एंड में आप अगर एल आपको देखने को मिले या किसी ए देखने को मिले या कोई और भी जो लेटर देखने को मिले तो इसका मतलब है कि वो प्लांट को जो है डिस्कवर किया है उस पार्टिकुलर ऑथर ने, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट देखेंगे। अब देखिए, इसके बाद जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर की स्थापना हुई, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसे हम लोग ICBN बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब देखिए, ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर की स्थापना हुई। अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ यहाँ पे रूल्स बनाए। अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी प्लांट जो है अगर उसका जो नेम है वो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला इन्होंने क्या बोला, डिफिकल्ट एंड लॉन्ग नेम शुड बी अवॉइडेड, डिफिकल्ट एंड लॉन्ग नेम्स शुड बी अवॉइडेड। यानी किसी प्लांट का अगर नाम रख रहे हैं तो इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट एंड इट शुड नॉट बी लॉन्ग, ठीक है। एक तो ये रूल हो गया, तो ये सारे रूल आपको जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे किसी प्लांट को अगर आप उसका जो है बोटेनिकल नेम देना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर कोई प्लांट आपने जो है वो डिस्कवर किया है तो उसका स्पीसीज नेम आपको वहां पे मेंशन करना कंपलसरी है, ठीक है। तो स्पीसीज नेम मस्ट डिस्टिंग्विश अ प्लांट फ्रॉम इट्स रिलेटिव, ठीक है। तो द स्पेसिफिक नेम
स्पेसिफिक नेम मस्ट बी डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश फ्रॉम ऑल इट्स रिलेटिव्स। क्लियर। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि अगर आप कोई भी नया प्लांट आइडेंटिफाई करते हैं तो इट्स शुड हैव जेनेरिक एज वेल एज स्पेसिफिक नेम। ठीक है। सो अ परफेक्टली नेम्ड प्लांट इज गिवेन अ जेनेरिक एंड अ स्पेसिफिक नेम। क्लियर। तो कोई भी आप अगर जो प्लांट वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसका जेनेरिक नेम भी होना चाहिए और साथ ही साथ उसका स्पेसिफिक नेम भी होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी आपका जो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या था, अगर आप कोई भी स्पीसीज नेम लिख रहे हैं तो उसका जेनेरिक नेम भी होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। तो ये सारे जो रूल्स हैं जो कि बनाए हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ने। ठीक है। अब देखिए ये जो ICBN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, अब ये क्या होता है, जनरली थ्री मेन पार्ट्स से जो डिवाइड होता है, थ्री मेन पार्ट्स में, किसमें, थ्री मेन पार्ट्स में। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। पहला क्या है, प्रिंसिपल्स। ठीक है। दूसरा रूल्स और तीसरा क्या है, रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो ICBN जो है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल, सेकंड रूल्स एंड थर्ड रिकमेंडेशंस। ठीक है। तो ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो मैंने आपका डिस्कस किए हैं और मैंने यहाँ पे आपको बताया, इंट्रोडक्शन दिया कि बोटैनिकल नोमेनक्लेचर का, कि अगर आप बॉटनी स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपको टैक्सोनॉमी में जो है वो इंटरेस्टेड हैं तो आपको बेसिक जो है बोटैनिकल नोमेनक्लेचर के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही साथ जो है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये जो बोटैनिकल नोमेनक्लेचर या बायनोमियल नोमेनक्लेचर ये इवॉल्व हुआ और किस बेस पे जो है आप प्लांट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद आपको क्या क्या रूल्स आपको याद रखने हैं या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, किसी भी न्यू प्लांट या न्यू डिस्कवरेबल प्लांट को अगर आपने डिस्कवर किया है तो उसको कैसे आप उसका बोटैनिकल नेम देंगे और साथ ही साथ आप क्या रूल जो है वो फॉलो करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।